दोस्तों आप सभी को इंतजार था कि Vivo का V19 फोन कब लॉन्च होगा, और दोस्तों यहां पे लॉकडाउन के वजह से Vivo का ये फोन बहुत ही ज्यादा डिले हुआ है। तो दोस्तों यहां पे Vivo का फोन लॉन्च होने वाला है जो कि V19। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल कॉल्ड नदीम टेक पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताएंगे पूरी कॉन्फ़िगरेशन, पूरे स्पेसिफिकेशन की इस फोन में आपको क्या-क्या चीजें देखने को मिलती है। दोस्तों ये Vivo के तरफ से एक फ्लैगशिप ग्रेड का फोन होने वाला है, और दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि इसकी प्राइसिंग आपको क्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों यहां पे आपके सामने देखने को मिल रहा है एक शानदार Vivo का V19 प्रोडक्ट जो कि क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में आता है। दोस्तों यहां पे अगर बात करें फ्रंट में, तो आपको देखने को मिल रहा है डुअल कैमरा, जो कि हम इसके डिटेल्स में आपको अभी कुछ देर में बता देंगे। दोस्तों यहां पे अगर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों यहां पे आपको पावर अनलॉक बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो दोस्तों आपको सेकेंडरी माइक यहां पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर हम साइड के बारे में बात करें, तो यहां पे आपको ट्रे देखने को मिल जाता है, और दोस्तों यहां पे नीचे आपको एक 3.5 mm जैक मिल जाता है। साथ में आपको प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, साथ में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, और आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। दोस्तों यहां पे फोन करते हैं बूट और देखते हैं फोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पे क्वाड कैमरे के बारे में बात कर ले, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा 48 megapixel का मेन कैमरा, जिसका अपर्चर f1.79 है, प्लस आपको मिल जाएगा 8 megapixel का सुपर वाइड एंगल कैमरा, जिसका अपर्चर f2.2 है, प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको सुपर मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। दोस्तों यहां पे कई सारे ऐसे मोड दिए गए हैं जो इस फोन को बहुत ही बेहतर बनाता है, जैसे कि सुपर नाइट मोड, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड, अल्ट्रा स्टेबल वीडियो भी आपको देखने को मिल जाता है, आर्ट पोर्ट्रेट वीडियो में दोस्तों आप मोनोक्रोम वीडियो भी क्लिक कर सकते हैं, प्लस आप बैकग्राउंड को ब्लर करके यानी बुके में आप वीडियो भी क्लिक कर सकते हैं। तो यानी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इसमें सॉफ्टवेयर लेवल से बहुत ही एडवांस फीचर दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट मिल जाता है, जिसका अपर्चर f2.0 के साथ में आता है, प्लस आपको 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, जो कि 105 डिग्री तक वाइड एंगल कैप्चर करता है, जिसका अपर्चर f2.28 के साथ में आता है। दोस्तों यहाँ पे इस फोन में आपको फ्रंट और बैक में दोनों ही तरफ आपको सुपर नाइट सेल्फी देखने को मिल जाती है, और दोस्तों यहां पे ऑरा स्क्रीन लाइट के साथ में भी आपको ये फोन देखने को मिलता है। ऑरा स्क्रीन लाइट एक रिंग लाइट की तरह वर्क करता है, जब भी हम नाइट में फोटो क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन लाइट की तरह जलता है और अपने आप को एक फोटो प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फोटो प्रोवाइड करेगा नाइट मोड में भी, यानी रात के अंधेरे में भी। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे मोड हैं, फोन को करते हैं जल्दी से सेटअप और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या है। तब तक हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहां पे Vivo ने नाम रखा है इसका डुअल आई व्यू डिस्प्ले, जो कि 6.44 इंच का एक फुल एचडी LIVE3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन आपको 2400x1080 दिया गया है, और दोस्तों साथ में आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। पीपीआई दोस्तों यहां पे 409 की पीपीआई दी गई है, और दोस्तों यहां पे स्कॉट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन ग्लास इसमें दिया गया है, जो कि इस फोन को बहुत ही बेहतर बनाता है। और दोस्तों यहां पे बहुत सारे ऐसे मोड्स हैं जो कि इसमें काफी कमाल की फीचर्स को इंक्लूड करते हैं। दोस्तों यहां पे फेस और फिंगरप्रिंट को सेटअप कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या ये फेस और फिंगरप्रिंट कैसा काम करता है। दोस्तों यहां पे अगर हम चेक करते हैं फेस अनलॉक, तो आप देखते हैं कितना तेजी से ये काम करता है, इंस्टेंट ये वर्क कर रहा है फेस अनलॉक, यहां पे कोई भी देरी नहीं आपको देखने को मिल रही है, यहां पे इंस्टेंट आपको अनलॉक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहां पे अगर करते हैं अनलॉक अपने फिंगर से, तो देखते हैं दोस्तों कितना फास्ट ये वर्क करता है। दोस्तों यहां पे लगाते ही इंस्टेंट अनलॉक हो गया। दोस्तों यहां पे ये बहुत ही तेजी से ये काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी से ये काम कर रहा है, यानी इसका मतलब फेस एक्सेस और आपको देखने को मिलेगा जो फिंगरप्रिंट, वो काफी लाजवाब इस फोन में काम कर रहा है। दोस्तों यहां पे पीछे कहीं लगा हुआ है इंजन, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 AI ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दोस्तों इसके वेरिएंट के अगर बारे में बात कर लें, तो वहां पे दोस्तों आपको मिल जाएगा 8GB का रैम, जो कि LPDDR4X का रैम होगा, और साथ में दोस्तों मिल जाएगा 128GB का इंटरनल। दोस्तों यहां पे दो वेरिएंट में ये लॉन्च हो रहा है, 8GB की रैम, 128GB
इंटरनल प्लस 8GB की रैम, 256GB का इंटरनल। दोस्तों यहां पे अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात कर लें तो यहां पे 4500 बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, और यहां पे सबसे अच्छी बात वीवो का फ्लैश चार्ज मिलता है जो कि 33W का वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहां पे हम सेटिंग में जाते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। तो यहां पे दोस्तों सिस्टम मैनेजमेंट में हम अबाउट फोन में जाने के बाद मॉडल नंबर आपको दिख जाता है जो कि 1933 आपको मॉडल नंबर दिखता है। फ्रंट टच ओएस 10 एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर है, 8GB की रैम है, 256GB का स्टोरेज है। और दोस्तों यहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एंड्रॉइड पैच आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तों सॉफ्टवेयर वर्जन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये थी फोन की ओवरव्यू जो आपको हमने बताई है। और दोस्तों यहां पे अगर बात करें ब्लूटूथ वर्जन की तो दोस्तों यहां पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है और दोस्तों यहां पे इसका जो वेट है टोटल वो 186.5 ग्राम का वेट है। थिकनेस की अगर बात कर लें तो हम आपको बता दें कि 8.5 mm का थिकनेस है। दोस्तों यहां पे कमाल की फोन दिख रही है आपको वीवो की V19 जो इसकी प्राइसिंग है दोस्तों 8GB की रैम 128GB का इंटरनल वो है इंडियन प्राइसिंग 27,990। और दोस्तों यहां पे दूसरे वेरिएंट की जो प्राइसिंग है जो कि आपको 8GB की रैम 256GB इंटरनल के साथ में मिलेगा वो मिलेगा आपको 31,990 यानी 31,990 में। तो दोस्तों यहां पे ये थी पूरी ओवरव्यू जो कि वीवो का V19 था और आपको देखने को मिला एक अनबॉक्सिंग जो कि वीवो का V19 के साथ में आपको देखने को मिला। दोस्तों यहां पे कमेंट करके बताइए कि ये वीवो का फोन आपको कैसा लगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको बहुत ही पसंद आई। दोस्तों यहां पे बस आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।